एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? दोपहर के अभी 12:30 बजे हैं और ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। यहाँ का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है, आपने देखा होगा लास्ट वाले वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं खालडा वाले जो हनुमान जी हैं उनके मंदिर पे। वो मंदिर यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अभी चलते हैं, 3 किलोमीटर हमें नीचे उतरना है। सुबह हम 3 किलोमीटर ऊपर चढ़े थे सीढ़ियों से, तो बहुत दिक्कत हो गई। उतरने में भी दिक्कत है, कहीं पैर ना फिसल जाए। देखिए गड्ढे भी हो रखे पानी की वजह से, बरसात के मौसम बहुत ज़्यादा पानी निकलता है यहाँ से। और देखिए नीचे खेतों को क्या गजब का नज़ारा है। इस पे हाँ हाँ ये देखो सुबह नहीं आ रहा था यहाँ से वीडियो साहब, अब बहुत गजब का आ रहा नज़ारा। हाँ सुबह धुंध थी। देखिए यहाँ पे तालाब बना हुआ है बहुत गजब का। और कौन सा गांव बताया था आपने? ये कुलताजपुर गांव है। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था। हाँ चलिए अभी उतरते हैं यहाँ से नीचे। आप कौन से गांव से हैं? मैं नारनौल से हूँ। अच्छा आप नारनौल से हैं? ये है ये नारनौल से हैं, मैं गुड़गांव से हूँ। वो भाई अलवर से है, एक चैनल है उसका। अच्छा तो वो बना रहे हैं पानी की अच्छी बात है। मैं दर्शकों को अच्छी तरह दिखा, जानकारी होनी चाहिए उनको, ताकि कोई आए तो उसे आसानी से आ सके। ठीक है ना जी? चलो आप बनाते बनाते चल रहा, उतरने में जूते चल रहे हैं। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। हाँ ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये रास्ता देख रहे हो आप? नहीं या तो फिर हमें आगे होने दो ताकि हम आपको पकड़ तो ले। अरे नहीं करेंगे आप, आ जाओ, एक्सपीरियंस है पूरा। देख ले भाई। नहीं नहीं मैं तो सीढ़ियाँ नहीं 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 मैं तो ये रास्ता दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुलभ रास्ता है, इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो कितना सीधा रास्ता है ये। देखो बुजुर्गों के लिए प्रॉब्लम है, बुजुर्गों के लिए। हाँ हाँ हम तो देखो भगे ही आ रहे हैं, और ये देखिए आ रहे हैं अपने आराम आराम से। अरे आ जाओ जल्दी से, भक्के आओ एक बार। अरे आराम आराम से, कहीं ज्यादा जोर से मत रोक लोगे ना, दीवार भी तो है। हाँ कहीं मालूम पड़े यहाँ से, देखो नहीं रुके, रोटेशन बन जाए बढ़िया। और नीचे वो छत है जो उसके ऊपर जाके मंदिर वाली छत। हाँ देखिए इधर कितना प्लान पहाड़ है ये, अब तो बहुत ही शानदार आ रहा नज़ारा है ना। इधर से धूप आ गई ना सामने से। चलो रास्ता बहुत बढ़िया है ना ये, एकदम सुलभ रास्ता है। छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बस पता है। हाँ हाँ बहुत छोटे छोटे पत्थर है। हाँ दिख रहे हैं ना ये, एक उठा के ले चलते हैं घर। हाँ देखिए देखिए छोटा सा पत्थर है बहुत। रास्ता भी बहुत सुलभ है, बिल्कुल भी गड्ढे नहीं है रास्ते में। आ जाओ, ब्रेक लगा के आना, पर है ना ब्रेक लगा लगा के, नहीं तो मालूम पड़े नीचे ही ब्रेक लगे पूरे। देखिए ये करके दिखाओ फिर, ऐसे 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 करके। अभी हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं वो सीढ़ियाँ, यहाँ से जाएंगे नीचे। तो काफ़ी देर हो गई, मैं चलते चलते थक गए, कहीं छाया मिली नहीं, तो ये पत्थर की कटिंग इसी के अंदर हम बैठे हैं, थोड़ा आराम कर ले। यहीं पे छाया मिली और तो कहीं छाया में मिली नहीं, तो यहाँ आराम करके फिर हम उतरेंगे नीचे और देखते हैं कितना टाइम लगता है खालडा वाले हनुमान जी के मंदिर तक पहुँचने में। तो कितनी बड़ी मूर्ति लगी है वहाँ पे हनुमान जी की? 20-25 फुट ऊँची है। 20-25 फुट ऊँची, तो बहुत ही बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की वहाँ पर। अभी हम पहुंच गए हैं खालडा वाले हनुमान जी जो हैं उनके मंदिर पर। तो पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। अभी हम काफ़ी दूर हैं, नज़दीक जाएंगे तो और भी ज़्यादा बड़ी लगेगी प्रतिमा। जैसे भाई बता रहे थे 20-25 फुट की प्रतिमा है ये, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या इतिहास है और कब से ये मूर्ति यहाँ बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर। धूप सामने से ही है तो इसलिए वीडियो भी ज़्यादा ही ब्लैक हो रहा है, इसलिए मैंने लाइट ज़्यादा बढ़ा दी है। मंदिर में एंटर करने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ जिला पुलिस, हरियाणा पुलिस और लिखा हुआ महेंद्रगढ़ नारनौल। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, इस मंदिर के जस्ट पास में ही फायरिंग होती है जो हरियाणा पुलिस की है,
शायद आपको गोलियों की धड़ाधड़ आवाज़ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो मंदिर के ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगा नीचे का सीन किस प्रकार से यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होती है और उनकी फायरिंग होती है। तो चलिए यहाँ से पूरा मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ और फिर ऊपर से वो सीन दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं घंटा बजा लेता हूँ, छोटा सा घंटा है। जय बजरंगबली। आ जा दौड़ के आओ सटासट, देखते कितना तेज आते हैं। फायरिंग चालू हो गई बगल में, अभी आवाज़ आ रही थी गोलियों की। चलिए मंदिर ऊपर पहुंच के फिर दिखाते हैं आपको। थोड़ी सी मूर्ति दिख रही है यहाँ से, ज़्यादा नहीं दिखी। देखो यहाँ से दिखेगी मूर्ति तो। हाँ देखो यहाँ से भी बहुत ऊंची है प्रतिमा है। हाँ मैं सोच रहा हूँ कितनी हाइट होगी इसकी। भाई कितनी हाइट होगी मूर्ति की? कम से कम 30 फुट। कहीं लिखा नहीं है इसके बारे में? 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। आज लिखा तो नहीं है कहीं? क्या? हाँ धूप बहुत है फिर भी कर रहा हूँ मैं कोशिश। देखो देखो मूर्ति कितनी बड़ी है, अंदाज आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी प्रतिमा है। अभी यहाँ पे हमें कोई महाराज जी तो मिले नहीं है, यहाँ पे भगत लोग हैं, उनसे हमने पूछा भी था कि ये कितनी बड़ी प्रतिमा हो सकती है, तो बता रहे थे करीब 35 या 40 फुट की है शायद। तो इस बात का तो हमें भी नहीं मालूम कितना है, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है प्रतिमा के बारे में कि कितनी बड़ी है ये प्रतिमा। और देखिए यहाँ से मैं आपको फायरिंग रेंज दिखाता हूँ हरियाणा पुलिस की, वो मेरे पीछे है नज़ारा, शायद नहीं दिख पाएगा आपको, बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा इसका सीन। देखो ये है फायरिंग रेंज, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ लगे हुए हैं गत्ते से, तो यहाँ पर गोली चलाते हैं वो यहाँ से। देखिए यहाँ पर कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हरियाणा पुलिस। हाँ हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर फायरिंग सिखाते हैं। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए कम ही चला रहे हैं ना, एक दो गोली चलाई थी थोड़ी देर पहले। सुबह सुबह शाम ज़्यादा चलाते हैं ना। चल रही है, देखो ना चल। हाँ अभी एक चली थी, चल रही है। एक एक दो दो चला। धूप में क्या है कि वो निशाना नहीं बनता है, धूप में निशाना नहीं बनता। अच्छा, और इसीलिए इनकी लग भी सही नहीं रही, एक भी सही नहीं लग रही, देख लो। हाँ हाँ एक भी सही नहीं लग रही सुबह शाम तो। हाँ आगे जा रही है सारी, देखो वहाँ पहाड़ी में जा रही है सारी। धूप से क्या है कि सुंदर पड़ने के बाद नहीं दिखता कुछ। ये शायद कहीं छाया में बैठ के चला रहे हैं ना, दिख नहीं रहे। ये जो पेड़ है इनके नीचे बैठ के चला रहे हैं, पीछे उस साइड हमें दिख नहीं रहे। दूसरी साइड में बैठे ना। जहाँ तक मुझे लगता है आपने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही शानदार बड़ी प्रतिमा है, आज तक मैंने इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं देखी नहीं। मोबाइल में भले ही ये प्रतिमा छोटी लग रही होगी शायद आपको, लेकिन रियली में बहुत बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। और देखिए ऊपर वहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर भी बैठे हैं, हनुमान जी के सीने पे बैठे हैं कबूतर। चलिए अभी मैं आपको नारनौल सिटी दिखा देता हूँ। ये जो पूरा शहर आप देख रहे हो ये नारनौल शहर है, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए इधर मैं दिखाता हूँ आपको, इधर पहाड़ ही पहाड़ हैं काफ़ी सारे, इधर भी बहुत पहाड़ हैं। मुझे तो ये सोच कर भी हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी प्रतिमा को किसने बनाया होगा और यहाँ पर किस प्रकार से इस प्रतिमा को स्थापित किया होगा। देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है, जब इसको गहराई से देखते हैं तो बहुत ही अचरज होता है, अचंभा होता है कि यार इतनी बड़ी प्रतिमा को कितना टाइम लगा होगा बनाने में। और एक एक चीज़ की जो कारीगरी है बहुत ही शानदार तरीके से की गई है, बहुत ही बारीकी से की गई है। तो आप यहाँ पर आओ देखो। ये जगह के बारे में बताओ थोड़ा सा, कहाँ पर स्थित है ये जगह? ये नवीन भाई बताएंगे। नारनौल से खालडा गांव की ओर आते हैं। नारनौल से कितना दूर है?
ये 3 किलोमीटर दूर है ज्यादा, हरियाणा के नारनौल से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नारनौल में अगर किसी से पूछे खालड़ा सब बता देंगे नारनौल में। तो यहाँ की कुछ मान्यता है मंदिर के बारे में? मंदिर की मान्यता है हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर मेला भरते एक प्रकार से। अच्छा अच्छा, मेला लगता है यहाँ पे। तो कहाँ तक आते हैं दर्शक लोग देखने के, यहाँ पर पूजा करने के लिए? दूर दूर के आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हरियाणा से बाहर तक के भी आते हैं? बाहर के भी आते हैं। अच्छा चलो बढ़िया है। वैसे आज ये बुधवार है, कल था मंगलवार, कल यहाँ पे मेला लगा होगा। लेकिन कल हम उधर सतीश कौशिक जी के गाँव गए थे, वहाँ बड़ी हमने वीडियो बनाया था, तो इसलिए लेट हो गए, यहाँ पे नहीं आ पाए हम। पहुँचते रात हो गई थी। हाँ रात हो गई थी कल हमें, इधर साइड से वीडियो बनाने का तो हमने सोचा ही नहीं था। इधर देखिए हनुमान जी की पूंछ देखिए आप, कितनी बड़ी बनाई है ऊपर तक, बहुत ही शानदार। हाँ आ रहा हूँ, इधर से ही देखते हैं। हमारी भी सही आ जाएगी, इधर इस कोने में लगो जहाँ मैं खड़ा हूँ। वन मिनट देखो, ये पैर के कड़े देखो आप, छल्लेदार कड़े बनाए, और देखिए पैर की उंगलियाँ कितनी बड़ी बड़ी है। आप फोटो शूट कर लो, तब तक मैं इधर से लेता हूँ सीन। इधर से भी सही आ रहा है। अभी हम मंदिर प्रांगण में नीचे आ गए हैं, देखिए ऊपर से यहाँ पर दो द्वार बने हुए हैं, एक है इन है, एक है आउट। तो जिधर से एंट्री होती है उधर से आउट नहीं होते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए ये बनी हुई सीढ़ियाँ दूसरी साइड से, तो यहाँ से आउट होते हैं। अभी तो यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि आज बुधवार है, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो और देखिए ये इधर दोपहर में भी कबूतर दो दाना चुग रहे हैं इधर। तो भी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हमारे इतनी मेहनत की हमने, हाँ मेहनत हमारी सफल हो जाए, जिससे हमारी सफल हो जाए। दोपहर के कितने बज रहे हैं ये बताओ इनको? दोपहर के शायद 3 बजे हैं, 3 बजे अभी बताया था मैंने, 3 से ऊपर हो गया टाइम अब, तो शायद 3:30 बज गए होंगे। तो सुबह के ही निकले आजमगढ़ से 8 बजे के, और 3:30 बज चुके हैं, पूरे दोपहर ही सर के ऊपर होके ऐसे निकाल दी पानी की तरह। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वो गाना सुना है आपने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो अभी मेरे दिल में एक ख्याल आया, जब ऊपर थे और जब हनुमान जी की प्रतिमा को देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे शायद ये 20 फुट की होगी, 30 फुट की या 40 फुट की, कुछ अंदाज़ नहीं लगा पा रहे थे। तभी मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों ना हम गूगल बाबा से पूछें। तो हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो गूगल पे डालो और समस्या का समाधान निकल के आ जाएगा। गूगल पे सभी चीज़ों का समाधान है, बट रीज़न ये है कि आज हमारे पास नेट नहीं है, नेट हमारा सुबह ही ख़त्म हो गया। मेरा और रमेश जी बैठे हैं, रमेश जी का नेट भी सुबह ही ख़त्म हो गया था, आज दोनों का नेट ही ख़त्म हो गया सुबह, क्योंकि हमने सुबह वीडियो अपलोड किया था इसलिए। तो आप देख सकते हैं गूगल पे डाल के, जानकारी आ जाती है तो देखते हैं। क्या नाम है तो बचा हुआ जगह, क्या नाम है एक बार बताना, भूल गया हमें। खालड़ा। तो आप एक गूगल पे सर्च करना खालड़ा वाले हनुमान जी नारनौल, तो उसमें पूरा आ जाएगा बायोडाटा, वहाँ से आप विकीपीडिया से पढ़ भी सकते हैं, विकीपीडिया पे अधिकतर पूरी जानकारी मिल जाती है।